नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खंडवा जिले के पंधाना में पत्रकार पर हमला, भ्रष्ट अधिकारियों की खबरें प्रकाशित करने पर पंधाना के हमारी पत्रकार स्वाति प्रकाश जी एक ले पर सुनो जीत योजना बनाकर उन पर जानलेवा हमला किया। वही वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्हें कितनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्याम शुक्ला जी ने कहा कि न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार सभी मीडिया के साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, प्रेस रिपोर्टर बंधुओं को मैं नमन करता हूं। मैं प्रकाश एगलर, प्रेस रिपोर्टर आर्ट इंडिया न्यूज। मेरे द्वारा पंधाना क्षेत्र से समस्त जनहितैषी समाचारों का की रिपोर्टिंग आर्ट इंडिया न्यूज को की जाती है। साथ ही साथ कुछ विकास कार्यों में अगर कुछ कमी रहती है वह भी उसकी भी प्रेस रिपोर्टिंग की जाती है। मेरे द्वारा और हमारे ब्यूरो आदरणीय गोपाल सामले जी के द्वारा 28 तारीख को जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला को लेकर एक अच्छी खबर का प्रकाशन हुआ। इस खबर का रिएक्शन यह हुआ कि जनपद पंचायत पंधाना के एक कर्मचारी के पुत्र अक्षय ने अपने 3 साथियों के साथ 28 तारीख को 4 बजे से मुझसे भेजने का पीछा करने का प्रयास किया। 4 बजे भी मेरा बागान का भी काम है, अगर सकने का 4 बजे भी उलझने का काम किया। मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया, मैं समझ नहीं पाया। मैं रात्रि के 10 बजे गोपाल जी से मिलकर अपने घर की ओर जा रहा था तो अक्षय ने अपने एक साथी को बिठाया और क्रॉसिंग पर जब गाड़ी 10 की स्पीड में होती है गाड़ी को ठेस मारी, कट मारते हुए आगे गाड़ी खड़ी करी, मुझे आकर झपट जोर से मार दिया जिसका एक चोट का निशान है। और उनके साथियों ने कहा बहुत पत्रकार बनते हो, आपको पत्रकारिता कैसी होती है हम बताते हैं। और भयंकर मारपीट की, इस प्रकार से मारपीट की जैसे जानलेवा हमला किया गया। मेरी ये पसलियों में दर्द है, फेफड़ों में सूजन है, काफ़ी तकलीफ बोलने में भी हो रही है। डॉक्टर ने विश्राम का कहा है, जो एमएलसी हुई थी पंधाना में से कोई व्यवस्था नहीं है, ये आज प्रकाश हॉस्पिटल के नर्सिंग होम में दिखाया है। साथ ही साथ ये एक्सरे कराए हैं जिसमें सूजन है, ये 20 दिन का कोर्स दिया है डॉक्टर साहब ने। और ये जो हमला है ये पत्रकारों पर हमला है, प्रजातंत्र पर हमला है, ये प्रजातंत्र की गला घोटना और प्रजातंत्र की हत्या करने जैसा है। प्रजातंत्र में मीडिया का संस्थान ये है कि वो समाज की अच्छी चीज़ों को समाज में फैलाता है, राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र का प्रदर्शक है। और इस प्रकार से मीडिया को रिपोर्टिंग करने वाले बंधुओं पर अगर किसी प्रकार के जानलेवा हमला होते हैं तो हमारे जो युवा साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो डरेंगे, हिटलरशाही हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, कोई भी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस नहीं करेंगे। मुझ पर जो ये षड्यंत्र पूर्वक हमला 28 तारीख को खबर प्रकाशन होना, 28 तारीख की रात्रि को 4 बजे से मतलब लेके करते हमला करना, पुलिस का भी सहयोग नहीं मिला। मैं लगभग 11:45 बजे पहुँचा था, 10:10 बजे तक रिपोर्ट दर्ज हुई। एक बड़ा षड्यंत्र है, मेरे मीडिया के साथियों का मुझे सहयोग मिला और साथ ही साथ खंडवा के साथियों का भी सहयोग मिला, साथ ही साथ भोपाल के पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग मिला। मैं आपको आजीवन ऋणी रहूँगा और ये जो नया जीवन मुझे मिला है मैं समाज हित के काम करता रहूँगा, प्रेस का काम करता रहूँगा, क्योंकि अच्छा काम करने में कई बाधाएँ आती हैं। हमारे मीडिया के साथी आए थे पूरे तहसील से, तो कल विधायक जी भी आए थे, औपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा कि ये जो असामाजिक तत्वों ने गलत किया है आप पर मैं इन पर कठोर कार्रवाई कराऊँगा, आप निश्चिंत रहो। और मैं पत्रकार के साथियों से जो विधायक जी से चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि मीडिया के बंधु अच्छी चीज़ें भी फैलाए और अगर कोई गलत काम हो तो एक खबर छापने के बाद वो निरंतर खबरें छापे ताकि उस खबर का कोई निर्णय ले और अच्छे काम हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा किसी प्रकार का मतलब समझौता नहीं हुआ, जिन लोगों ने अपराध किया उनको सजा मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस छोटे भाई, छोटे प्रेस रिपोर्टर का जो खबरों को भेजने का काम करता है उसका संबल बने, उसका उत्साहवर्धन बने, उसका साथ दे और दोषियों को कार्रवाई कराए। और साथ ही साथ जो काउंटर केस गलत डला
उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा। मेरे जीवन में 43 साल की उम्र में मैंने जो समाज की सेवा का काम किया है, शासन की सेवा का काम किया है, और ये जो मुझ पर कलंक लगा है, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझ पर ही केस भी दायर किया। मैं आप सबसे साफ की अपील चाहता हूँ, वो कल जो मीडिया के हमारे साथी आए थे, दूर दूर से आए थे, तो हमारे गोपाल जी ने और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप भोजन करें, तो कुछ हमारे साथी जो नगर के साथी चुनी भाई श्याम भाई जैसे लोग भी आ गए थे, उन्होंने कहा कि हमें भी भूख लगी, हम भी चलेंगे, तो हम उनको मना नहीं कर सकते थे, तो वो भी हमें हमारे ब्यूरो जी ने भोजन के लिए आग्रह किया था, वो सब गए थे। किसी भी प्रकार की अफवाहों को ध्यान न दें, आपका पुनर्वंधन अभिनंदन और मैं सदैव अभिनंदन। खंडवा से वहीद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।